हेलो दोस्तों, मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टेक आर्यन पे। दोस्तों तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मिड रेंज सेगमेंट स्मार्टफोन जो है रियलमी 12X। दोस्तों ये फोन 15,000 के नीचे आने वाला है और इस फोन में काफी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन है, साथ ही साथ 5G के साथ। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करते हैं इसको। तो चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्या नया पैक किया है रियलमी ने इस बार। आप तो ये मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ इस फोन को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे में कुछ हाईलाइट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। तो ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ इस बॉक्स को और इस सील को ब्रेक कर रहा हूँ। ओके तो चलिए दोस्तों, ये वन टू थ्री। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेक इट रियल, इसको साइड करते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा कि इसमें एक सिंपल सा केस और सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है, तो इसको साइड कर देते हैं टाइम को विदाउट वेस्ट किए हुए। और जो सेकंड सेक्शन है वहां पर आपको देखने को मिलता है रियलमी 12X, इसको भी थोड़ा सा साइड करते हैं। यहाँ पर बॉक्स में आपको एक चार्जर देखने को मिलता है जो है आपका 45 वॉट सुपर वूक चार्जिंग, और एक केबल देखने को मिलता है टाइप सी केबल एक देखने को मिलता है आपको जो फोन को काफी जल्दी आपका चार्ज कर देगा। चलिए इस सबको साइड करके फोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रियलमी का 12X है दोस्तों, जो एक 5G स्मार्टफोन है। मुझे डिजाइन तो काफी अच्छा लगा, पर पता नहीं रियलमी अपने 12 लाइनअप पे पूरा का पूरा सिमिलर लुक और सिमिलर कैमरा मॉड्यूल क्यों प्रोवाइड कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब इस डिजाइन को देखते देखते मैं बोर हो चुका हूँ। तो ये डिजाइन अच्छा है बट मुझे पर्सनली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है इस डिजाइन को देख के। लुक वाइज अच्छा है बट सिमिलर लुक आपको 12X 12 प्लस, आपको 12 लाइनअप में सिमिलर लुक देखने को मिलेगा। चलिए हटाइए, मैं इसे बूट कर रहा हूँ अभी और देखते हैं फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये मैं बूट कर रहा हूँ, ये रियलमी आ गया। तो दोस्तों फोन को मैंने बूट कर लिया, देखते हैं फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आप डिजाइन देखोगे डिस्प्ले का, वो काफी आपका सिमिलर है बाकी रियलमी लाइनअप के जो 12 सीरीज के फोन आते हैं उसमें। तो दोस्तों इसमें एक अच्छा बात यह है कि इस प्राइस में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और ये डिस्प्ले जो है वो आपको फुल FHD प्लस के साथ आता है। जो डिस्प्ले का साइज है दोस्तों, एक्चुअल साइज वो है 6.72 इंचेस का, साथ ही साथ ये आता है आपका 5000 mAh बैटरी। तो बहुत ही अच्छा बैटरी आपको प्रोवाइड हो रहा है इस प्राइस सेगमेंट में। मैं ओवरऑल बात करता हूं इसके पोर्ट्स और बटन के बारे में। तो यहां पर आप राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। अगर आप ऊपर की साइड देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, साथ ही साथ यहां पर IR ब्लास्टर भी आपको देखने को मिलता है, यहां पर सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो लेफ्ट साइड है वो पूरा का पूरा खाली है और नीचे की ओर आपको देखने को मिलता है 3.5 mm जैक, आपका माइक और एक टाइप सी पोर्ट, और नीचे साइड भी एक स्पीकर देखने को मिलता है। दैट मींस रियलमी 12X आपको प्रोवाइड करता है डुअल स्टीरियो स्पीकर जो साउंड क्वालिटी में काफी अच्छा है। और एक अच्छा चीज इसमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, IP रेटिंग। तो इसमें आपको वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्ट करेगा IP रेटिंग IP54 के साथ। सो स्प्लैश प्रूफ है, स्पेशली इसको लेके आप डुबकी नहीं मार सकते कहीं पर, तो स्प्लैश प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों मैं अगर वेट की बात करूं तो इसका जो वेट है ये काफी हल्का फील होता है। इवन इसमें 5000 mAh बैटरी है फिर भी ये काफी हल्का फील होता है। 188 ग्राम इसका टोटल वेट है दोस्तों। थिकनेस भी रियलमी ने काफी अच्छा रखा है। बट अगर मैं एक और चीज की बात करूं तो इसमें आपको 45 वॉट का चार्ज मिलता है जो आपके फोन को 30 मिनट में 50% चार्ज कर देगा, तो विच इज गुड और ये एक अच्छा चीज है। बट रियलमी UI आपको देखने को मिलता है इस फोन में। और रैम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस फोन में आपको रैम देखने को मिलेगा 4GB 128GB स्टोरेज और 6GB 128GB स्टोरेज, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसका अगर मैं
कैमरा की बात करूं दोस्तों, तो कैमरा इसका काफी अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ आपको रियर कैमरा सेक्शन में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा, AI लेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा सेक्शन है उसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। कुछ कैमरा सैंपल मैं वीडियो में डाल दूंगा, बट मैं अभी एक फोटो कैप्चर करके दिखा रहा हूँ कैसा डिटेलिंग ये प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने ये ऑन किया और मैं अपना एक फोटो कैप्चर कर रहा हूँ, एक मैं नॉर्मल में एंड द अदर वन इट्स पोर्ट्रेट शॉट। अब आप डिटेलिंग देखो दोस्तों, डिटेलिंग डिसेंट है, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा है, बट बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का फोटोज कैप्चर करके दे रहा है। मतलब अगर आप ये फोन जैसे कि आपको 15,000 के नीचे आने वाला है, तो एक डिसेंट क्वालिटी का शॉट्स वगैरह कैप्चर करके ये आपको दे दे रहा है। अगर रियर कैमरा की बात करूं तो रियर कैमरा यहां पर मैं कैप्चर कर रहा हूं कुछ शॉट, इसको जूम आउट करके, तो रियर कैमरा का जो शॉट है वो भी अच्छा है दोस्तों। आप अगर इवन जूम करके देखोगे तो फिर भी इसमें अच्छा क्वालिटी आपको प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके ब्राइटनेस लेवल के बारे में। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तो जैसे कि मैंने बताया 91% है, और साथ ही साथ यहां पर जो ब्राइटनेस लेवल आपको देखने को मिल रहा है वो है 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस। अगर आप सनी डेज में भी जाते हो तो फोन में अच्छा क्वालिटी में वीडियोज वगैरह कंज्यूम कर सकते हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी ग्लिचिंग, तो वो आप कर सकते हो क्योंकि 950 निट्स का ब्राइटनेस आपको दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की ओर, क्योंकि एक फोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है उसका इंजन। तो इसमें 8 कोर लगा हुआ है, तो इसमें जो प्रोसेसर है दोस्तों वो है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर लगा हुआ है, जो एक 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो 5G के काफी बैंड इसमें सपोर्ट करते हैं, तो विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन आप 5G यूज कर पाओगे। 5G 4G और जितने भी नेटवर्क से सारा सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है दोस्तों। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि Realme क्लेम करता है ये आपको Android 15 का भी अपडेट आपको देगा, और Android वर्जन जो आपको इसमें देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है Android 14। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर 14 का अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब बॉक्स में ही आपको 14 का अपडेट देखने को मिलेगा, और एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा Android 15 का। तो दोस्तों ये एक बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का स्मार्टफोन है, मतलब अगर आपका बजट एक 15K के नीचे का बजट है और आप एक Realme फैन हो तो Realme के अकॉर्डिंग ये फोन बहुत ही बेटर है और अच्छा है। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकती थी, जैसे कि मैं मानूं तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको रैम 8GB प्रोवाइड हो सकता था, प्रोसेसर में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता था, ठीक है, बट प्रोसेसर काफी अच्छा है अपने कंपैरिजन में। कैमरा लेवल थोड़ा सा डल है, कैमरा लेवल और थोड़ा बेटर हो सकता था, अदरवाइज फोन इज गुड, बहुत ही अच्छा फोन है। अगर आप 15K के रेंज में हो, चाहते हो एक बेटर स्मार्टफोन लेना, तो आप Realme 12X को ले सकते हो। इसका सेल आज से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो आपके जो नियरेस्ट स्टोर है Realme स्टोर और ऑनलाइन स्टोर पे आप इसे परचेस कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 15K के नीचे, मतलब 12-13 हज़ार के रेंज में ये फोन आने वाला है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये फोन कैसा लगा आप सभी को, और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल में जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह टेक अपडेट के लिए टेक आर्यन से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।